बड़े यनमोल सखी, मेरे प्रीत बड़े यनमोल सखी, दिल दू जना दू बोल सखी, दिल दू जना दू बोल सखी, मेरे प्रीत बड़े यनमोल सखी, मेरे प्रीत बड़े अनमोल सखी। मजे चुन 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 मोरी पाए लिया, मजे चुन 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 मोरी पाए लिया, मोरी पाए लिया, मोरी पाए कल दरबार में हाजिर हो। लेकिन फरियाद का कोई वक्त नहीं होता मलिका, और फिर जिन पर जुल्म होता है वो कायदे कानून नहीं जानते। दिलाराम, फरियादी से कहो दरबार में पहुंचे, हम आ रहे। खान, हमारे बहादुर से पैसालार शुजात खान नहीं आए? आते ही होंगे आलम पना। आलीजा की खिदमत में कोशिश पर लाता हूं। आओ आओ शुजात खान, हम तुम्हारे ही मुंतजर थे। हुजूर की जरा नवाजी का शुक्रिया आलम पना। फरियादी को हाजिर किया जाए। दो
आलम पना। अपना बयान जारी करो। आली जाह, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। एक जालिम इंसान ने मेरी इज्जत और नामूस का चिराग बुझाकर मेरी दुनिया में गम का अंधेरा फैला दिया है। साफ साफ अल्फाज में बयान करो फरियादी, तुम पर किसने जुल्म किया है? सुल्तान आलम, मैं उस संदिल का नाम लेते हुए डरता हूं कि कहीं मेरी जबान न खींच ली जाए और इशारा करते हुए कहीं मेरा हाथ कलम न कर दिया जाए। हमारी सल्तनत में कौन ऐसा सरकश जिसका खौफ तुम्हें अपनी मजलूमी की दास्तान सुनाने से रोकता है? बेखटके बयान करो, हम उसका नाम सुनना चाहते हैं। आप उसका नाम सुनना चाहते हैं? शुजात खान, जो शिकार खेलता हुआ मेरे गांव पहुंचा, मेरी जवान बेटी को बुरी नजर से देखकर उससे दस्तराजी की। वो बेचारी और तो कुछ ना कर सकी, शर्म के मारे कुएं में जा गई। मैंने उसे बचाना चाहा तो इस जालिम ने मुझे भी अपनी तलवार से जख्मी कर दिया। शुजात खान, क्या ये सच है? तुम खामोश क्यों, जवाब क्यों नहीं देते? खतावार हूं आली जा। तो तुम अपने जुर्म का इकबाल करते? शुजात खान, हमने तुम्हें यह तलवार इसलिए दी थी कि तुम इसे रियाया की हिफाजत करो, इसलिए नहीं कि तुम रियाया की बहू बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाओ। अब हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे जिसे दुनिया सबक हासिल करे। रहम आलमपना, रहम। इस सल्तनत की बुनियादों में मेरे बुजुर्गों का लहू शामिल है आलमपना। हम इस लहू को कलंक का टीका बनाकर अपने माथे पर नहीं लगा सकते। आली जा, मेरे बुजुर्गों ने इस तख्त और ताज की हिफाजत के लिए अपनी जानें तक कुर्बान की। हम इन खिदमात के अवैध अपनी रया की बहू बेटियों की इज्जत नहीं बेच सकते। फरियादी को मुनासिब हजाना देकर राजी भी किया जा सकता है आलीजा। सुल्तान आलम, अगर इन जमीन फरोशों की सिफारिश पर शुजात खान को बख्श दिया गया तो रहती दुनिया तक आपके अदब इंसाफ के नाम पर बट्टा लग जाएगा। फरियादी, हम मुजरिम को कभी माफ नहीं करेंगे। जल्लाद को फौरन हाजिर किया जाए और इस भरे दरबार में हमारे सामने इस बद नजर की आंखों को तपते हुए लोहे से दाग दिया जाए। रहम कीजिए आलीजा, मेरे बाबा को माफ कर दीजिए। नासर खान, अगर तुम ये इबरतनाक मंजर नहीं देख सकते तो दरबार से जा सकते हो। जल्लाद, हुक्म की तामील हो। तैयारी मुकम्मल हो चुकी? फौज मेरी मुट्ठी में है, सिर्फ हुक्म का इंतजार है। सुल्तान का मुहाफिज दस्ता मेरे कब्जे में है। खजाने की चाबियां मैं हासिल कर चुका हूं और ये रहा महल के चोर दरोनों का नक्शा। क्या तुम लोग सुल्तान से बदला लेना चाहते हो? उसे सुल्तान बनाया किसने? हमारे बुजुर्गों ने। क्या यही उसका इंसाफ है कि उसने आपकी खिदमात कबूल कर आप ही की आंखें फोड़ डाली? फिर भी हम सुल्तान से गद्दारी नहीं कर सकते, आखिर हम उसके नमक खार हैं। तो जो नमक आपके खून में है उसे आप मेरे जख्मों पर छिड़क कर नासूर बना देना चाहते? यह आका से बेवफाई है नासिर खान। आपकी वफा वफा नहीं, बुजदली है। इंसान जब बेबस हो जाता है तो वफादार हो जाता है। नासिर, तुम मुझे बुजदिल कह रहे हो जिसकी तलवार तमाम उम्र सुल्तान के दुश्मनों पर आप बनकर बरसती रही है, और आज जब अपनी गैरत का इम्तिहान आया तो तलवार न्याम में क्यों चली गई? आग सर्द क्यों पड़ गई? सिर्फ इसलिए कि सुल्तान की ताकत के खौफ ने आपके बाजों से हिम्मत छीन ली है।
आप उसके जाहो जलाल से डर गए हैं अब्बाजान। अपने बाप को गलत मत समझो नासिर, आप गलती पर हैं अब्बाजान। आपकी कम हिम्मती ने आपको हथियार डालने पर मजबूर कर दिया, तो फिर आज ही अपने सीने में दबे हुए शोलों को हवा दीजिए या मुझे जहर दे दीजिए कि मैं बुस्तिल बाप का बेटा बनकर जिंदा रहना नहीं चाहता। नासिर ऐसा ना कहो, तुम शुजात खां की बहादुरी की तारीख बनकर जिंदा रहोगे। जाओ और गैरत की चिंगारी से पूरी सल्तनत को अपनी लपेट में ले लो। शुजात खान जिंदाबाद, नासिर खान जिंदाबाद, नासिर खान खाकाने आजम, नासिर खां के साथियों ने हमारे बहुत से पैदर कत्ल कर दिए और अब वो सुल्तान मुअज्जम के फौजदार की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी ये मजाक, मैं उनका सर कुचल दूंगा। मेरे साथ आओ।
हल छान मारा, लेकिन शहजादे और मुराद खां का कोई पता नहीं चला। मालूम होता है मुराद खां उसे लेकर भाग गया है, लेकिन कुछ भी हो जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाओ। जाओ आज से ये तख्त हमारा है। हजूर मुराद खां और शिजाला पहाड़ी से के दरिया में डूब गए। ये आखिरी कांटा भी निकल गया। जाओ और ताजपोशी की तैयारी करो। सुल्तान नासिर खान, नासिर खान। मेरे बहादुर सिपाहियों, आज तुम्हारी हिम्मत और वफादारी की बदौलत हमने आदिल खां को शिकस्त देकर तमाम तकलीफों को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा फरमाबरदार बेटा नासिर खान तुम्हारी इन खिदमात को कभी नजरअंदाज न करेगा और हमेशा तुम्हारी फलाह और बहबूद के लिए कोशा रहेगा। इसी तरह आज मैं तुमसे हलफ वफादारी चाहता हूं कि तुम इस तख्त और ताज के वफादार रहोगे और हुकूमत के बाजू बनकर जिंदा रहोगे। लेकिन अगर किसी ने इस तख्त और ताज से बगावत करने की कोशिश की तो उसको ऐसी सजा दी जाएगी जो मुल्क और कौम के लिए इबरतनाक हो। अब मैं तुम्हारी मर्जी से इस हुकूमत की बात अपने बेटे नासिर खान के हाथ में देता हूं। क्या तुम्हें मंजूर है? मंजूर है। सिपहसालारे आजम, हम सब की यह ख्वाहिश है कि आप ही अपने मुबारक हाथों से ये रस्म ताजपोशी अदा करें। हमें मंजूर है, ताज पेश किया जाए। आइए सिपहसालारे आजम। ये सब कौन है? आली जा, ये वो कैदी हैं जिन्होंने आदिल खां की वफादारी में हमारे साथियों का मुकाबला किया। ये सब गद्दार हैं, इनके सर काट कर शहरपनाह के दरवाजे पर लटका दिए। अब्बा हुजूर, ताजपोशी की खुशी में आज एक ऐसा जश्न मनाया जाए जो हमेशा के लिए यादगार रहे। Thank you.
लाई खुशी का पयाम, पयाम सुबह शाम, शाम तेरी महफिल हमेशा शराबी रहे, ओ शराबी रहे। दौलत वो तेरी गुलाम, गुलाम सुबह शाम, शाम तेरी महफिल हमेशा शराबी रहे। अपने मुल्क का बहुत बड़ा सिपहसालार बनेगा। बस बाबा, अब कल सीखूंगा। ये पंथरी की आवाज जो आ रही है, मालूम होता है कि तुम्हें शाली बुला रही है। जाओ बाबा। जाओ बेटे। लग रहा दूध पी के पकड़ा रहा हूं। सलीम। हाँ शाली। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती, तुम मेरे बुलाने पर भी नहीं आते। कैसे आता, बाबा से तलवार सीख रहा था। तलवार क्यों सीखते हो, क्या डाकू बनोगे? नहीं, गरीबों की मदद करूंगा। अच्छा, तो फिर मेरी मदद भी कर देना। मेरी माँ कहती है हम बहुत गरीब हैं। तुम्हें तो बहुत सस्ते घुमा के दूंगा। सच? फिर तो मैं उनसे बहुत अच्छी भेड़ें खरीदूंगी। लेकिन कमबख्त रफीक तो रोजाना चोरी से मेरी भेड़ों का दूध पी जाता है। वो तो अपनी बिना ठाट से। कहाँ? वाह वाह, शाबाश, क्या ठाट है तुम्हारे, क्या ठाट है तुम्हारे, क्या ठाट तुम्हारे। यही रोज हमारी भेड़ों का दूध पी जाता है। याद है बचपन में हम इन्हीं पहाड़ियों में घरौंदे बनाया करते थे, पर अब जवानी में उम्मीदों का महल बना रहे हैं। हाँ, दुनिया की कोई ताकत इन्हें तोड़ नहीं सकती। हमारा कदम मंजिल पर ही जाकर रुकेगा शाली। सलीम, अगर रास्ते में कोई दीवार खड़ी हो गई तो हमारी मोहब्बत उसका मुकाबला करेगी?
जीत किसकी होगी? वफा मोहब्बत की। इसलिए आज तुमने मेरी हिम्मत को जवान और इरादों को बुलंद कर दिया है। अब मेरे कदम किसी भी मंजिल पर नहीं डगमगा सकते। भाई मैं मर गई, ये जरूर रफीक का बच्चा होगा, मेरी भेड़ों का दूध पी रहा होगा। चलो उसकी खबर ले चलो। वाह 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 वाह, क्या ठाट है, क्या ठाट है, ये ठाट है, बकरी के बच्चे सारा दूध पी गया है, ये ठाट है। नहीं नहीं, मैंने तो पहली मर्तबा दूध पिया है। पहली मर्तबा दूध पिया तुमने? इसकी माँ का, इसकी नानी का, सारे खानदान का दूध पिया है? झूठ मैं नहीं, मैं भी नहीं, झूठ नहीं। शाली, ओ शाली, शाली तुम्हारी माँ आ गई। हाँ अच्छा मैं चलता हूँ, रात को मिलोगी ना यहीं? हाँ मिलूंगी। बात हाँ, तुम जाओ ना जल्दी से। अरे नहीं समझे, जैसे तुम किसी से मिलने के लिए जाते हो ना, तो बाबा भी किसी भाभी से मिलने के लिए गए। क्या बकते हो? बकता नहीं, ठीक कहता हूँ, जल्दी चलो, वो चली जाएगी। आओ कहीं गए होंगे काम से, तुम तो आओ। अभी तक जाग रही है शाली? हाँ माँ, मच्छर बहुत है, नींद नहीं आती। बेटी जरा मेरे पाँव तो दाब दे, दिन भर काम करते करते मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा माँ। लो बेटा, हो गए ठाट तुम्हारे। मुझे तो ऐसा लगता है कि शाली तुमसे नाराज होकर अपने घर चली गई। तो क्या हुआ? हाँ चलो उसके घर, उसे चुपके से बाहर बुला के यहाँ ले आते। ना बाबा, मुझे उसकी माँ से बड़ा डर लगता है, अगर वो कहीं जाग गई ना तो अपने ठाट हो जाएंगे। यार तुम बड़े बुजदिल हो, चलो भी। चलो भाई। कहाँ से आ गई? पल भर को आंख लगी थी, इन कमबख्तों ने जगा दिया। बेटी जरा उठ के इन्हें भगा दे। माँ बिल्लियां कहाँ हैं? जंगली बिल्ले हैं बिल्ले। और दे वो मक्खन की मटकी तारचे से उठा के छींके में रख दीजियो, नहीं तो सब खा जाएंगी, और दरवाजा भी बंद करती आइयो। अच्छा माँ। शाली चलो मेरे साथ। माँ जो जाग रही है। माँ जाग रही है तो रफीक उनका इंतजाम कर लेगा। वाह बेटा, क्या था क्या प्यारे। अबे चलो शाली, कहाँ मर गई जाकर, जरा देर के लिए दाद देना बेटी। हाय हाय, सारे बदन में दर्द की तीसें उठ रही हूँ, कम वक्त बुढ़ापा भी 100 बीमारियों की एक बीमारी है। जरा जल्दी दाद देना।
ये उथल पुथल क्या कर रही है? ठीक से क्यों नहीं दाबती? जरा कमर दाब। आहा, ये हुई बात। अच्छी बेटी मेरी, अल्लाह उम्र दराज करे मेरी बच्ची की। अच्छा दूल्हा मिले, दूधो नहाए पूतो फले। अब तो माशाल्लाह तू जवान हो गई है। मुझे दिन रात तेरे ब्याह की फिक्र रहती है। सोचती हूँ अपने जीते जी तेरे हाथ की लेकर। बेटी एक बात पूछो, मुझे तो सलीम बहुत अच्छा लड़का मालूम होता है, तुझे भी पसंद है ना? क्यों शर्मा गई? हाँ, सभी लड़कियां अपने ब्याह के जिक्र से शर्मा जाती हैं। और चुप रहने का मतलब होता है हाँ। लेकिन बेटी सलीम के साथ वो निगोड़ा रफीक जो फिरता है, मुझे एक आंख नहीं भाता। कमबख्त रोज हमारी भेड़ों का दूध पी जाता है। किसी दिन मेरे हत्थे चढ़ गया तो ऐसी जूतियां मारूंगी, ऐसी जूतियां मारूंगी कि सब ठाठ भूल जाएगा। अच्छा बेटी अब जाके सो जा, तूने सुबह उठ के भेड़ों का दूध दोना है, नंबरदार और रमजान बाबा को दूध पहुंचाना है। जाओ सो जा मेरी बच्ची, जाओ जाके सो जा। मेरा हाथ छोड़ो सलीम, मैं तुमसे बात नहीं करती। क्यों, उसे नाराज हो क्या? और नहीं तो क्या, जाने कहां मारे मारे फिरते हो। इंतजार करते करते तो मेरी आंखें पथरा गईं। देखो ये आंखें तो बड़ी खूबसूरत हैं, गुलाब की तरह शगुफ्ता, सितारों की तरह रोशन और झील के पानी की तरह शफाफ। ये पथराई हुई कहां है? तुम्हें बातें बनाना खूब आती है, ऐसी मीठी मीठी बातें करके तो तुमने मुझे बेवकूफ बना रखा है। वाकई? एक बात पूछूं शाली? क्या? तुम मुझसे सचमुच मोहब्बत करती हो? झूठ मूठ। और अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं भी तुमसे झूठ मूठ मोहब्बत करता हूं तो? देखो मैं मार दूंगी। हाँ, मुझसे झूठ मूठ प्यार करते हो तो फिर सचमुच किससे करते हो? पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। अच्छा सुनो, मुझे एक ऐसी लड़की से मोहब्बत है जो जो बहुत खूबसूरत है। मुझसे भी ज्यादा? जी, तुम अपने आप को खूबसूरत समझती हो? याद हो गई। कभी अपनी शक्ल आईने में देखी? हाँ देखी है, अच्छी खासी तो हूँ। अच्छी खासी? ठीक है, लेकिन मेरी महबूबा बहुत खूबसूरत है। गाल गुलाब की तरह लाल, होंठ फूल की पत्ती की तरह नर्म और नाजुक। हंसती है तो होंठों से फूल झड़ते हैं और रोती है तो आंखों से मोती बरसते हैं। ज्यादा बकवास मत करो जी, नाम बताओ उस चुड़ैल का, अभी जाकर खोपड़ी पिलपिली करती हूँ। अच्छा अच्छा बैठो, अभी बताता हूँ। लेकिन उस बेचारी को कुछ कहना नहीं। ऐ है, बड़ी बेचारी हो गई वो, नाम क्यों नहीं बताते उस चुड़ैल का? उस चुड़ैल का नाम है शाली। शाली? यानी मैं? हाँ शाली, तुम। ये तो मैं जानती थी। तो फिर खफा क्यों हो रही थी? छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। कहीं जाग उठे ना संसार, देखो जी कहीं जाग उठे ना संसार। पायल मोरी छन के, कंगन मोरा खन के, छोड़ो जी भैया जोरा चोरी ना करो प्यार। देखो जी कहीं जाग उठे ना संसार, देखो जी कहीं जाग उठे ना संसार।
जी कहीं जागू थे ना संसार, देखो जी कहीं जागू थे ना संसार, पायल मोरी छन के कंगन मोरा खन के, छोड़ो जी भैया जोरा चोरी ना करो प्यार, देखो जी कहीं जागू थे ना संसार, देखो जी कहीं जागू थे ना संसार। कहीं जागू थे ना संसार, देखो जी कहीं जागू थे ना संसार, पायल मोरी छन के कंगन मोरा खन के, छोड़ो जी भैया जोरा जोरी ना करो प्यार, देखो जी कहीं जागू थे ना संसार, देखो जी कहीं जागू थे ना संसार। शामत आ जाएगी। तुम रफीक की फिक्र मत करो, वो पट्टा तो अपने ठाट खुद ही संभाल लेगा। अरे आज शाली ने जूतियां कौन से पहन रखी हैं? अजीब लड़की है। इतने सवेरे क्यों उठा दिया माँ? हाय अल्लाह कितना प्यारा ख्वाब देख रही थी। ख्वाब देख रही थी तो ये ठाट है। मैंने सलाम माँ जी, मैं सुबह सुबह अखाड़े में वर्जिश करने जा रहा था, मैंने कहा सलाम करता चलूं। फरमाइए क्या ठाट है? अरे दूर दफान, सुबह सवेरे न जाने मुआ कहाँ से आन टपका। क्या ठाट है? अच्छा भाई कहाँ? ये तो तुम जानते ही हो। है क्या ठाट है? और सुनो, और हम
तुम ऐसा करो, तुम मेरा घोड़ा पकड़ के यहाँ खड़े रहो और देखो कोई राहुल तो रिश्ते में आए, समझे? बहुत अच्छा, वाह क्या बात कही है कि तुम राहगीर पकड़ के खड़े रहो और कोई घोड़ा है, नहीं नहीं तुम घोड़ा पकड़ के खड़े रहो और कोई राहगीर यहाँ से गुजरे ही ना, क्या ठाट है। सलीम, शाली, तुमने मेरा सुहाना ख्वाब तोड़ दिया। क्या देख रही थी ख्वाब? मैं देख रही थी तुम शहजादे के लिबास में कितने हसीन दिखाई दे रहे थे। दिल चाहता था। क्या चाहता था तुम्हारा दिल? तुम ही बता दो ना। बता दो। इधर देखो। मैंने कहा सलीम साहब वो राहगीर भी आ गया है। अच्छा भाई रोकता हूं। तुम कौन हो और किधर जाना चाहते हो? जी मैं जवालापुर जाना चाहता हूँ। जवालापुर जाएगा तो मारा जाएगा। मारा जाऊंगा? हाँ वहाँ एक बीमारी फैली है। बीमारी फैली है? वो बीमारी कि आदमी आदमी को खा जाता। वही बीमारी मुझको लग गई है। मुझको लग गई बीमारी? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अच्छा वो तू आ गया सुबह से। जब तुम मेरे पास होते हो तो मैं सारी दुनिया भूल जाती हूँ। हाँ शाली, लेकिन न जाने तुम्हारे दिल में क्या है जो तुम आज तक मेरी माँ से बात नहीं कर सके। आखिर हम कब तक चोरी छुपे मिलते रहेंगे? मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ शाली कि मेरे बाबा ने मुझ पर एक फर्ज आयद किया है, जब तक मैं फर्ज पूरा नहीं करता बाबा मेरी शादी नहीं करेंगे। बड़े आए तुम्हारे बाबा, तुम समझती हो मेरी माँ मान जाएगी? नाराज हो गए? हाय हाय, उनके तो ठाट होते ही रहेंगे और बेटा तुम यहाँ बैठकर सूखते ही रहोगे। क्या ठाट! लीजिए एक राहगीर और तशरीफ ला रहे हैं। आइए जनाब, मिजाज शरीफ खैरियत है? कहिए क्या आपको भी इसी तरफ जाना है? अरे 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 क्या करता है भाई, ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। तुझे पता नहीं मेरा दोस्त मना कर गया है इस तरफ जाने के लिए। हाँ वो वहाँ पर इश्क लड़ा रहा है। हाँ मैं तुझे समझाता हूँ, इधर आ। मेरा ख्याल है रफीक चला गया है, वरना खामोश न रहता। मैं नहीं मानती, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता। चलो देखे। चलो अरे भाई उधर मत जाओ, वहाँ राजो न्यास की बातें हो रही हैं और वहाँ पर्दा है। तुम मुझसे जरा इश्क लड़ाओ ना प्यारे, क्या ठाक है। छोटे भाई से क्या बातें हो रही हैं? जी क्या शहजादियाँ ऐसी होती हैं जो घोड़े पर चढ़कर दौड़ती हैं तो दौड़ती चली जाती। घोड़ा बिदक गया था, शहजादी बिचारी क्या करती? शहजादी बिचारी क्या करती? अरे भाई घोड़ा बिदक गया था तो उन्हें चाहिए था वो भी बिदक जाती। बकवास बंद करो जी। बहुत अच्छा जी, न जाने शहजादी किस हाल में है। ओहो शहजादी के हाल का फिक्र न कीजिए, मेरा दोस्त उसका हाल खुद पूछ लेगा। क्या मतलब? दा 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 दा, मतलब कि हाँ उसको बड़े ठाट से लेकर आएगा जी। मैंने कहा जी क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये क्या है? ये क्या है? ये बाज है। ओह बाज, ये किस काम आता है? क्या इसको पका के खाते है? नहीं जी, इससे शिकार किया जाता है।
हाय शिकार किया जाता है तो फिर एक काम कीजिए, इसके जरिए मेरे दिल का शिकार कर लीजिए। तुम्हारा शिकार तो हमने सलीम का पता करो। अब वो सलीम तो वहाँ आ गया, देखिए आप मेरे ही घोड़े पर तशरीफ ले जाइए, लेकिन इसे वापस जरूर भेज दीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से तो हैं शहजादी? हाँ आ चलो। शाली मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो और क्या करो, उधर जाओ ना। तुम जानती हो शाली, शहजादी का घोड़ा बिदक गया था, मैं उसकी जान बचाने गया। जान बचाने में इतनी देर लगती है? अच्छा आप माफ कर दो, आइंदा फटाफट जान बचाया करो। वो सब छोड़ दो। क्यों क्या बात है? हमारा हमला कामयाब रहा, सब साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। आहिस्ता बोलो, कहीं सलीम ना सुन ले, क्योंकि मैं वक्त से पहले सलीम को ये राज बताना नहीं चाहता। तो क्या हुक्म? तुम चलो, मैं अभी आता हूं। वो दिन दूर नहीं जब जाबर सुल्तान का खजाना तुम्हारे कदमों में होगा और ये माले गरीबत सब हिस्सों में बांट। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये आज मालूम हुआ कि मेरा बाबा रंगपुर का एक बुजुर्ग नहीं बल्कि लुटेरों का एक सरदार है। आज मेरी गर्दन शर्म से हमेशा के लिए झुक गई। सलीम बेटे, बेटा ना कहो बाबा, नहीं तुम जैसा जालिम मेरा बाप हो सकता है, ना मैं डाकू का बेटा। तुमने ठीक कहा है सलीम, जो बात बरसों से मैंने छुपा रखी थी आज तुमने खुद ही कह दी, वाकई मैं तुम्हारा बाप नहीं। एक रात नमक हराम नासिर खान ने तुम्हारे बाप सुल्तान आदिल खान को और मलका आलिया को कत्ल कर दिया। उस वक्त तुम अपनी मां के बिस्तर पर रो रहे थे, मैंने तुम्हें उठाया और अपने आका की आखिरी निशानी समझकर गले से लगाया, और मैंने उसी दिन से अहद कर लिया था कि जालिम नासिर खान से सुल्तान का इंतकाम जरूर लूंगा। मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक एक बहादुर सिपाही बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। ये मेरे साथी हैं जिन्हें तुम डाकू समझते हो, ये तुम्हारे बाप के वफादार मुलाजिम हैं। लूट मार की दौलत किस काम आती है, आओ मैं तुम्हें बताऊं। चमकती हुई खून निशान तलवारें जो नासिर खान के खून की प्यासी है, नुकीले और तेज भाले जो दुश्मनों के सीनों में पैवस्त होने के लिए तड़प रहे, ये बरक रफ्तार घोड़े, इनकी खौफनाक तापे दुश्मनों की लाशों को रौंदती हुई किले में दाखिल होने के लिए बेचैन। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझसे भूल हो गई। शहजादा आलम माफी, और एक अपने अपना गुलाम से मैं तो उस वक्त का मुंतजिर हूँ जब आपके सर पर ताज और हाथ में हुकूमत की बागडोर होगी। तो फिर किले पर हमले की तैयारी कीजिए। ताकत के साथ साथ अक्ल की जरूरत भी है। क्या मतलब? मतलब यही कि हमले से पहले हमें नासिर खान की ताकत का पूरा पूरा अंदाजा होना चाहिए। तो बाबा फिर ये काम मैं से अंजाम दूंगा। जल्दबाजी से काम न लीजिए, आपने शेर के बच्चे को पाला है तो उसे शिकार करने से न रोकिए बाबा। खुदा सलीम, सलीम। कई रोज से मुझे बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे एक पल के लिए भी जुदा हो जाओ। ये तुम्हारा वहम है शाली, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। लेकिन तुम साफ क्यों नहीं बताते तुम किले में करने क्या जा रहे हो? इस वक्त फर्ज ने मेरी जबान पर ताले लगा रखे, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता लग जाए। सलीम कहीं तुम्हें उस लड़की की याद तो नहीं सता रही जिसकी तुमने जान बचाई थी? क्या तुम चाहती हो मेरी मोहब्बत मेरे रास्ते की दीवार बन जाए, मेरे कदम डगमगा जाए, मैं अपनी मंजिल तक न पहुंच सकूं? अच्छा इतना तो बता दो, वहां कोई जान जोखों का काम तो नहीं? इसका फैसला भी वक्त ही करेगा। इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जहां भी जाऊंगा तुम्हारी तस्वीर अपने दिल में लेके जाऊंगा।
की देकर सजा जा रहे हो जुदा हो कि मुझसे कर जहानी वफा जा रहे हो मिटा कर जहानी वफा जा रहे हो तड़पने की देकर सजा जा रहे हो जुदा हो कि मुझसे करके बेड़ा सरा जा रहे हो मुझे करके बेड़ा सरा जा रहे हो तड़पने की देकर सजा जा रहे हो जुदा हो कि मुझसे जो तुम जा रहे हो तड़पने की देकर सजा जा रहे हो जुदा हो कि मुझसे नशाबा क्या ख्वाब की ताबीर सच हुआ करती है हाँ हाँ शहजादी साहबा शहजादी साहबा एक नौजवान ये अंगूठी लेकर आया है पेश करो फर्म पेश करो आज सुबह से मेरी आंख फरक रही थी मैं सोच रही थी कि आज जरूर कोई खुशगवार वाकया पेश आएगा नौशाबा कव्वे को बोलते देखकर मैंने नहीं कहा था कि आज जरूर कोई आने वाला है तखलिया तो इसलिए आया था कि अपने एहसानों का मुआवजा तलब करो नहीं बहादुर अपना फर्ज बेचा नहीं करते मैं तो एक शहजादी से खिदमत लेना चाहते हो नहीं तुम्हारी गैरत ही गवारा नहीं कर सकती जी मैं मेरी अमानत वापस करने आए हो नहीं ये तुम्हारे इम्कान में नहीं जी मुझे तो एक कशिश खींच लाई है वही कशिश जो रातों की नींद चुरा लेती है जहां आकर तुम्हें ख्यालों की दुनिया में खो गया और मैंने पा लिया मैंने भी अपने आप को खो दिया था
नौशाबा, इन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया जाए। मैं जी आदमी। वो मुझे भी दिखाई देता है। हाँ, अगर दिखाई देता तो आप पूछती क्यों? मैं ये पूछती हूँ कि तुम यहाँ क्या लेने आए? मैं लेने नहीं आया, मैं तो देने आया हूँ। क्या? दिल। ओ, क्या कर रही हो भाई? सलीमा, सलीमा, तुमने किसी मेहमान को तो नहीं देखा? नहीं तो। जी मैं अर्ज करता हूँ, क्या मेहमान को कोई खास सींग होते हैं? अरे जी, तुम वो तो नहीं जिसे हमने शिकार पर देखा था? हाँ बिल्कुल, मैं वही शिकारी हूँ जी, खूब पहचान। तुम उनके साथ तो नहीं आए जिन्हें मैं अभी मेहमान खाने में छोड़ के आई हूँ? जी हाँ, वही तो मुझे यहाँ खड़ा कर गए थे। देखिए ना, वो अगर मेहमान है तो मैं भी तो बिन बुलाया मेहमान हूँ। तो तुम मेहमान हो? जी हाँ जी हाँ, मैं कदरदान मेहरबान, मैं मेहमान भी सिर्फ आपका मेहमान हूँ। तो आओ हमारे साथ। अच्छा जी। उफ, हाय हाय, आए। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ ना पूछो, पेट में सख्त दर्द हो रहा है, मैं जरा बाहर घूमाऊं। अरे इस कदर ज्यादा खाना क्यों खा लिया था? अरे खाना नहीं खाया, बदकिस्मती से मैं एक राज खा गया हूँ जिसके सबब पेट में सख्त दर्द हो रहा है। राज? हाँ, और यही तो मैं सोच रहा हूँ कि उस राज को मैं किससे कहूँ जो मेरे पेट का बोझ हल्का हो जाए। अच्छा जी। हाँ। तो हमें गैर समझते हो जो हमसे कुछ नहीं कहते, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? अरे नहीं तो, लगती तो जरूर हो, लेकिन डर भी तो लगता है कि तुम ये राज किसी से कहना दो। तुम्हें हमारी कसम, बता दो ना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा तो सुनो। हाँ? वो मेरा दोस्त है ना, आज वो नासर को कत्ल करने उसकी आरामगाह में गया है। हाँ, किसी से कहना देना। सलीम जी, मैं जानती थी तुम आओगे और जरूर आओगे। वो कैसे? ये तो मुमकिन है कि घटा उठे और पानी ना बरसे, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बिजली कौंधे और चमक ना हो, तूफान उठे और लहरों में हलचल पैदा ना हो? सलीम, मैं अपने दिल की धड़कनों में तुम्हारे कदमों की आहट सुन रही थी, मेरी हर सांस तुम्हारे आने का पैगाम दे रही थी। मैं आपका मतलब नहीं समझा। रंगत से फूल और चमक से हीरा पहचान लिया जाता है। सलीम, मैं वही कह रही हूँ जो तुम्हारी आंखें मुझसे कहलवा रही हैं। मेरी आंखें? हाँ, तुम्हारी आंखें। शायद कोई आ रहा है। शहजादी यासमीन कमरे में क्या काम था? मुझे कोई काम नहीं था। तो शहजादी को मुझसे कुछ काम था? भला शहजादी को तुमसे क्या काम हो सकता है? ये सवाल मुझसे नहीं, शहजादी से पूछो। बात ना बना, मेरे सवाल का जवाब दो। तो इस तलवार के साथ तुम्हारे सवाल का जवाब भी तुम्हारे सीने में उतार दूं। ये मत भूलो
तो ये बात नासर खान तक जरूर पहुंच गई। शहजादी साहिबा, उठिए ना, सूरज सर पर आ गया है और आप अभी तक सो रहे हैं, उठिए भी। यूं ही जगा दिया। कितना हसीन ख्वाब देख रही थी। क्या देख रही थी ख्वाब में बता दो। फूलों की हसीन वादी में एक ऐसा फूल तलाश कर रही थी जिसे मैंने कभी ना देखा, कि यकायक किसी ने मुझे यूं पकड़ लिया। मैं डर गई और मैंने जल्दी से हाथ हटाकर देखा। क्या देखा बता दो। एक हसीन खूबसूरत शहजादा जिसकी शरबती आंखों में गुलाब के फूलों की मस्ती भरी लाली थी, खूबसूरत चेहरे पर बिखरे हुए बाल, चांद पर से गुजरते हुए बदलियों का नजारा दिखा रहे थे, बहारें उसकी जवानी पर से कुर्बान हो रही थी। मुस्कुराकर कहने लगा, क्या कहने लगा? हम नहीं बताते। बताइए। नहीं बताते। बताइए आपको हमारी कसम। कहने लगा, यास्मीन, हम तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहा? फिर उसने क्या कहा? फिर उसने मेरी आंखों में आंखें मिलाकर कहा, आओ तुम्हें जिंदगी की उस नई मंजिल पर ले चले जहां रात कभी तारीख नहीं होती, जहां सूरज कभी नहीं डूबता, जहां फूल कभी नहीं मुरझाया, जहां हसीन जवानियां हमेशा प्यार के नगमे गाया करती हैं। फिर आपने कुछ नहीं कहा। मैं क्या कहती? उसकी गर्म गर्म सांसों ने मेरे दिल की धड़कनों में हलचल मचा दी, जैसे अब तेरे दिल में हो रही। फिर तो आप खुशी से झूम उठी। दिल में बस
चाहते हैं कि ये सलीम है कौन और महल में किसकी इजाजत से ठहरा है? मेरी इजाजत से अब्बा जान, क्योंकि उसने शहजादी यास्मीन की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शहजादी की जान बचाने के बदले में वो हमारी इज्जत और आबरू से खेलने लगे। तो जो कुछ तुमने कहा है क्या वो सच है? बिल्कुल सच है आलम पना, और अगर ये गलत साबित हुआ तो जानते हो इसकी सजा क्या है? जानता हूँ आलम पना। सलीम को इसी वक्त हाजिर किया जाए। सलीम, क्या यह सच है कि रात को तुम शहजादी यास्मीन के कमरे में गए थे? हुजूर वाला, शिकायत गलत है लेकिन वाकई सही है। क्या तुम्हें इसलिए मेहमान खाने में ठहराया गया था कि तुम हमारी इज्जत से खेलने की जरूरत करो? बदनिगाही का जुर्म शरीफ नहीं कमीने किया करते। ठहरो नासिर, मुझे तुमसे ताहे में कुछ कहना है। पख लिया। अब्बा जान, क्या बात है? नासिर, मैं अंधा जरूर हूं लेकिन आज मैंने सलीम की आवाज में सुल्तान आदिल खां की सूरत देख ली है। लेकिन तुम आंखें रखते हुए भी सलीम के रूप में सुल्तान आदिल खां को ना देख सके, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, आज मैंने वही लहजा, वही खनक, वही आवाज सुनी है जिस आवाज से मेरी आंखें फोड़ देने का हुक्म साबित किया था। खूब समझ लो, ये सलीम नहीं सुल्तान आदिल खां का बेटा कैसर है। लेकिन कैसर और मुराद खान तो दरिया में डूब चुके हैं। नहीं, ये सब झूठ है, तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें फरेब दिया है। कैसर मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और इसलिए जिंदा है कि अपने मरहूम बाप की मौत का बदला चुका है। पकड़ लो इसे, अगर निकल गया तो तुम्हारी मौत बनकर आएगा और फिर तुम्हें तकदीर दूसरी बार मौका न देगी। गिरफ्तार कर लो इसे। मेरे साथ नौशाबा नौशाबा, गजब हो गया, सारा राज खुल गया, सलीम मुझे अकेला छोड़ के चला गया, मेरे पीछे सिपाही आ रहे हैं, मुझे बचाओ नहीं तो मैं किले की दीवार कूद कर फांद के मर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं,
मेरे होते हुए तुम कोई आंख उठा के देख सकता है? अरे तुम आंख उठा के देखने को कहती हो? वो मुझे तलवार उठा के देखने पड़े था। अच्छा सुनो, सुनो एक तरकीब आई है। नहीं मैं औरत बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो जाओ फिर मर। अरे भाई मरा भी तो नहीं जा सकता। अच्छा कपड़े उतारो सब। अरे ये नहीं ये नहीं, वो पड़े हैं मेरे कपड़े, क्या पहन लो। तुम चौकीदार है ना, बचाओ। जा जा। यहाँ कोई आया तो नहीं? नहीं तो। लेकिन वो तो इसी कमरे में आया है। मैं कुछ नहीं जानती। इस कमरे की तलाशी लो। शर्म नहीं आती? पराई औरतों को झांकते हुए घर में माँ बहन नहीं है? हाँ, बच्चों वालों को भी झांकते ताकते हैं। माफ कीजिएगा। चलो निकल जाओ यहाँ से। चलो सिपाही दूसरे कमरे की तलाशी ले। तुम ये बच्चा कहाँ से उठा लाए? बच्चा ना उठाता ना बनाता तो ये लिबास कहाँ छुपाता? पर मेरा बनेगा क्या? अरे तुम ठहरो। हाँ। मैं तुम्हें बोर्चे खाने में नौकर रखवा देती। तो फिर उतारू लिबास? अरे नहीं। हाँ। इसी लिबास में। अरे तो क्या मुझे औरत ही बना रहना पड़ेगा? अगर मुझसे प्यार है तो। हाँ प्यार तो है, लेकिन मेरे दोस्त का क्या बना होगा? कोई सवार देखा है? घोड़े पे तो जाता हुआ। कोई सवार घोड़े पर? हाँ देखा है देखा है, वो उस तरफ गया है, बहुत दूर नहीं गया होगा। बातें करने का वक्त नहीं शाली, वो लोग चले गए। हाँ वो तो जा चुके। मुझे सहारा दो, मेरा घोड़ा कहाँ है? उसे मैंने पत्थरों की ओट में बांध दिया है, उसकी फिक्र न करो, अपने जख्म तो देखो। इनकी मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हारी जान भी खतरे में है, वो लोग कहीं से वापस ना आ जाए, मुझे मेरे घोड़े तक पहुंचा दो। तेरा चाहने वाला, तुम्हें मालूम है लड़की कि शाही आदमी को धोखा देना कितना बड़ा जुर्म है? बोलो जवाब क्यों नहीं देती? इस वक्त तुम जवाब नहीं दोगी, जब शाही जल्लाद तुझसे सवाल करेंगे तो तेरी चीख का जवाब देंगी। तो सर कर लो इसे।
इस लड़की ने हमें फरेब देकर सलीम को भगा दिया अलीजा। इस भोली भाली लड़की ने इसकी मासूम सूरत पे न जाइए अलीजा, ये दिल की खोटी और सरतल की बहुत बड़ी मुजरिम है। लेकिन किस कदर हसीन मुजरिम है। अब आप जो चाहें इसे सजा दें। हम जो मुनासिब समझेंगे इसे सजा दें। तुम जा सकते हो। ये घनी घनी सियाह जुल्फें जैसे बहार की हसीन शाम के गहरे साए, ये गोरा गोरा मुखड़ा जैसे चांदनी फूल बनकर खिल गई हो, ये लंबी लंबी पलकें, ये नरगिसी आंखें, हुस्न की सादगी भी क्या कयामत है। शबाना से कहो इसे कली से फूल बना दो, शहाना लिबास पहनाकर इसे इस तरह सजाया जाए कि हमारे पहलू में बैठने के काबिल हो जाए। सरदार गजब हो गया, शाली नासिर खान की कैद में है। शाली नासिर खान कैद में? ये नहीं हो सकता। तुम बड़े खुश नसीब हो कि सुल्तान आलम तुम्हें मलिका बनाना चाहते हैं। तुमने मुझे शाहाना लिबास तो पहना दिया, लेकिन मलिका बनने पर मजबूर नहीं कर सकती। जब सुल्तान तुमसे खुद बात करेंगे तो तुम्हारा लहजा बदल जाएगा। मैं तेरे सुल्तान को भी समझ लूंगी। तुम्हारा नाम? शाली। कितना प्यारा नाम है। बहनों और बेटियों के नाम प्यारे ही लगते हैं। क्या बकती हो? सच कहती हूँ, आज तक यही सुनती आई हूँ कि बादशाह रियाया की बहू बेटियों को अपनी बहन और बेटी समझते हैं, उनकी तरफ बुरी नजरों से देखना गुनाह जानते हैं। तो ये देखी है कि रियाया की बहू बेटियां शाही मुजरिमों को पनाह देती रहे। लेकिन मैंने किस शाही मुजरिम को पनाह दी? शहजादा कैसर को। शहजादा कैसर? हाँ, जो सलीम के नाम से तुम्हारे गांव में जवान है। सलीम? सलीम शहजादा है? अब समझे आलीजा, जब वो मेरे पास पहुंचा तो वो शहजादा ना था, सिर्फ एक जख्मी इंसान था। उसके बदन का रिश्ता हुआ लहू उस हमदर्दी को आवाज दे रहा था जो हर औरत के दिल में छुपी रहती है। अगर हमदर्दी करना जुर्म है तो मैं कसूरवार हूं। तो तुम अपने जुर्म का इकरार करती हो? नहीं, पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सलीम ने क्या कसूर किया है। वो हमारे तख्त पर कब्जा करना चाहता है। क्यों? वो हुस्नाबाद के मरहूम बादशाह का लड़का है और समझता है कि मैं तख्त ताज का हकदार हूँ। तो क्या अपना हक तलब करना जुर्म है? क्या बेटा अपने बाप के तख्त पर नहीं बैठा करता? नादान लड़की, अगर तुम्हारा हुस्न तुम्हारी सिफारिश न करता तो तुम्हें अब तक सख्त सजा दी जा चुकी होगी। लेकिन हम तुम्हें सजा नहीं, अपने दिल की मलिका। तुम बादशाह नहीं, इज्जत के डाकू। ये महल नहीं, इसमें तुम्हें कुर्बानगाह है। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो। तुम्हें मलिका बनना पसंद है या नहीं? नहीं, कभी नहीं। नहीं? इसे शाही मेहमान खाने में रखा जाए। हमें यकीन है शाली कि तुम्हारा इरादा बहुत जल्द बदल जाएगा। ले जाओ। सलीम, सलीम।
सलीम तुम आ गए सलीम। मैं तो समझ चुकी थी कि अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। तुम्हें अपनी मोहब्बत भरोसा नहीं था? क्यों नहीं था, भरोसा ना होता तो अब तक जिंदा कैसे रहती? बेरहम सुल्तान ने मुझे जबरदस्ती ये कपड़े पहनवा दिए, वो मुझे तुमसे छीनना चाहता है और उसने चारों तरफ पहरे लगवा दिए। मोहब्बत को कमजोर ना समझो शाली, ये तो मौत से मुकाबला करके जीत लेती है। आओ मेरे साथ। लेकिन बाहर तो मुझे अपनी तलवार और अपने खुदा पे पूरा भरोसा है, वो जरूर हमारी मदद करेगा। बेवकूफ, शेर के मुंह से शिकार छीनना इतना आसान नहीं। बहादुर तो मौत के मुंह पर तमाचा मारकर जिंदगी छीन लिया करते। तो मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। ठहरिए, गुलाम के होते हुए सुल्तान को तलवार उठाने की जरूरत नहीं। खुदा के लिए मेरे सलीम को छोड़ दो, मेरे सलीम को छोड़ दो। ये इंतजार और खुशामद बेकार है, हम अपना इरादा नहीं बदल सकते। शाली की मोहब्बत का नशा उतरा या नहीं? नहीं, यह लगन से आफ्ताब की गर्मी और महताब की ठंडक में फर्क नहीं पड़ता। इस मगरूर के जिस्म पर इतने कोड़े लगाओ कि इसके जिस्म की हड्डियां तक नजर आने लगे। नौशाबा, शहजादी साहबा, क्या करें नौशाबा? सलीम ने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर हमने उसका बदला ना उतारा तो दुनिया हमें एहसान फरामोश कहेगी। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, सलीम की जान किस तरह बचाए? ना उम्मीदी का इजहार आपको जेब नहीं देता शहजादी, आप सब कुछ कर सकती हैं। औरत अगर चाहे तो दुनिया का नक्शा बदल दे, आप तो फिर शहजादी हैं। चाहे तो दुनिया का नक्शा बदल सकती है और मैं शहजादी हूं। बस बस द्रोहत, आज आप हम पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? हम तुम्हारी खिदमत से खुश होकर शराब पिला रहे हैं ताकि तुम होशियारी से पहरा देते हो। बस बस बस, अब मैं भूखा हो गया हूँ सियार, अब मैं जाओ पहरा देने। मेरी जानी शराब, गवानी शराब, आजा आजा मैं तुझे पेट में डालू। बह गया, ये नहीं जानता कि मैं 7 पुश्तों से शराबी। मेरा बाप शराब के होश में गोते लगाया करता था और मैं तो सुनकर ही। चलो छुट्टी हुई। शाह, क्या दादी साहब आप आ गई? ये मैदान बिल्कुल साफ है, मैंने इन सबको शराब पिलाकर मदहोश कर दिया है। शाबाश, ये रहा तुम्हारी वफादारी का इनाम। शुक्रिया। ये रकम तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए काफी है। जाओ, किले की पुश्त पर तेज रफ्तार घोड़ा मौजूद है, उस पर सवार होकर इतनी दूर चले जाओ जहाँ मेरे भाई के जुल्म का पंजा भी तुम तक ना पहुँच सके। पानी, पानी। मैं इन्हें आजाद करता हूँ, आप जल्दी से पानी ले। Thank you.
लीजिए मैं चला, आप इस खुफिया रास्ते बाहर चले जाइए। सलीम, सलीम, होश में आओ सलीम, सलीम। कौन? शहजादी? नहीं, तुम्हारी कमीज। सलीम, जल्दी से निकल चलो यहाँ से, तुम्हारी जान खतरे में है, उठो। आखिर तुम्हें संधिकार में कहाँ ले जा रही है? शक न करो सलीम, मैं तुम्हें तहखाने में लिए जा रही हूँ, वहां तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। तुम्हारे जख्म बहुत गहरे हैं, जब तक ये ठीक न हो जाए तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जवाब क्यों नहीं देते? मुझसे क्या सोच रहे हो सलीम? सोच रहा कि भाई तो कोड़े लगवाए और बहन जख्मों पर मरहम लगाए, आखिर क्यों? इसलिए कि तुम उन गरीबों और अमीरों की अमानत हो, जिनके लिए तुम सर धड़ की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करते। आए, मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। झूठ! तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो कि उधर तुम्हारा भाई शाली को बेआबरू कर दे और मैं कुछ ना कह सकूं, बेबस होकर इस तहखाने में कैद रहूं। नहीं नहीं सलीम, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। दूर हो जाओ। बेकरार के, दिले बेकरार के।
मिटा दी हमने दिल तुझ पे वार के, आप इन्हें आराम करने दें, खुदा ने चाहा तो जल्द अच्छे हो जाएंगे। आप कोई कसर ना उठा रखें, मैं इन्हें जल्द सेहतयाब देखना चाहती हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हकीम साहब, अर्शाद, किसी को मालूम ना हो कि शहजादा इस तहखाने में मौजूद है। आप फिक्र ना करें, मेरी जुबान पर ताले पड़े रहेंगे। आप इनकी गजा का खास ख्याल रखें। वो तेरा कुछ लगता बावर्ची खाने में हलवा बनाने गया हुआ था, जरा देख तो सही कहां मर गया है। जी अच्छा। बुआ, तुमसे तो ये अच्छी रही जिसने ब्याह का रोग ही नहीं पाला। हाँ बहन, खुदा किसी को ब्याह के चक्कर में न डाले। अब मुझे देखो कि सारा दिन चूल्हा फूंकती हूँ और गर्मी में ये हालत हो जाती है। हाँ। तो पसीने से नहा जाती हूँ और रात को घर जाऊं तो क्या देखती हूँ। क्या देखती हो? कि मियां अफीम का ये इतना बड़ा गोला खाकर पिनक में पड़ा रहता है। हाय हाय, तो ऐसे मियां को गोली मारो, तलाक दे दो उसे, पर मेरी तरह से आजाद रहो। मैंने भी तो अपने मियां को तलाक दे दी थी। क्या वो भी अफीम खाते हैं? नहीं, वो चंडू पीते थे और खराटे लेते थे। हमारी नींद खराब होती थी इसलिए हमने उन्हें तलाक दे दी। वाह, चुपके से तलाक ले ली उन्होंने। और क्या, अगर वो बोलते वो मरम्मत करता करते हैं कि छठी का दूध याद आ जाता है उन्हें। आओ आओ बैठो यहाँ, सारी जगह तो तुमने रोक रखी, मैं कहाँ बैठूं। आ बहन, तुम यहाँ बैठ जाओ। हाय हाय, पर तुम कहाँ चली गई, तुम मेरे पास आके थे बेटो। कुछ 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 बुआ। हाँ? तुम्हारी गोद में बैठकर। हाँ? मेरा दिल क्यों थक थक कर रहा है? ये बात बताने की नहीं है, फिर बताऊंगा। अभी अच्छा तो ये बात है। ये हलवा बनाया जा रहा था? नहीं तो मैं तो आटा गूंथ रहा था। तू थी? खैर मैं बनाती हूँ हलवा तुम्हारा। बात तो सुनो, आने मर गई। मैंने कहा शहजादा कैसा है? ठीक है। और शहजादी? वो भी ठीक है। तुम तो ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। तो फिर आज लालबाग में मिलोगी? मेरी मिलती है जूती। अच्छा तो माफ कर दो, गलती हुई। अच्छा तो फिर ये कहो, ये सब तुम्हारी माँ बहने हैं? हाँ हाँ, ये सब दुनिया की माँ बहन है। हाँ नहीं नहीं, मेरी माँ बहन है। अच्छा तो फिर आज लाल बाग में पैदा? आज दोपहर। कब्र मजनू पर किसी ने जाके पूछा ये सुखन, इश्क़े लैला अभी बाकी है तुझे ओ खस्ता तन, भर के ठंडी सांस बोला है फाड़ कर मुँह से कफन। अरे क्या बोला? सुन जी, एक औरत बन गई मर्द आवारा, गलत जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। कर ले मुझसे प्यार मेरी सरकार, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया।
भी सरकार जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। पुलका गोरी तुझसे नैन मिला के, जी तुझसे नैन मिला के, लुक गया मेरा सब कुछ हारे तेरी गली में आके, जी तेरी गली में आके, अब कर ले आंखें चार निकार इनकार, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। कहीं कहूंगा तू है मेरी मलाई, जी तू है मेरी मलाई, अब आजा मेरी जान तेरे कुर्बान, फसाना बदल गया, फसाना बदल गया। अब कर ले मुझसे प्यार मेरी सरकार, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। ए जी, जी तुम औरत से मर्द कैसे बन गई? अगर मैं औरत ही रहती तो वो कमबख्त दरोगा मुझे कब का हड़प कर जाता। हाँ। फिर छुटकारा कैसे हुआ? ओ, मैंने कहा दरोगा जी जरा आओ हम तुम मिलकर नहाने चले, वो नहाने गए और मैं ये उनके कपड़े उठाकर भाग आया। अच्छा। सुल्तान? सुल्तान नहीं शाली, दरबार हुस्न का फकीर जो मोहब्बत की खैरात मांगने आया है। बार बार मोहब्बत का नाम लेकर मेरे कानों को गुनाहगार न कीजिए, और सिर्फ एक बार दिल देती है और मैं अपना दिल सलीम को दे चुकी हूँ। सलीम? सलीम को भूल जाओ शाली, वो तुम्हारे काबिल न था और अब तो वो मौत की आगोश में सो चुका होगा। सलीम, सलीम मर गया? तुमने सलीम को मार दिया, खूनी दरिंदे, मुझे भी मार डाल अपने हाथों से, मैं सलीम के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। कीमती लिबास, ये जेवरात, ये जवाहरात, दुनिया भर के खजानों में इनकी मिसाल नहीं, ये सब तुम्हारे कदमों पर निछावर कर। मोहब्बत दिल का सौदा है जो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। मेरी नजरों में ये सब चीजें हकीर पत्थर जो तुमने मासूम जवानियों को बहकाने के लिए जमा कर रखे। हमारे दामन में दौलत, इज्जत और शोहरत है। मुझे तुम्हारी दौलत शोहरत सबसे ज्यादा अपनी इज्जत अजीज है। नादान मत बनो शाली, हमारी मोहब्बत वक्त के ताजदार की मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत एक बावफा की मोहब्बत है, ताज छिन जाता है लेकिन वफा मरते दम तक कायम रहती है। खुदा रा हमें मायूस ना करो शाली, हमारी बेकरारी तुम्हारे इकरार की मुंतजर है। सिर्फ एक बार हाँ कह दो, सिर्फ एक बार, फिर हम जिंदगी भर तुम्हारे कदमों में रहेंगे। संग दिल मेरी मोहब्बत की लाश पर अपनी हवस का जश्न मनाना चाहता है, मगर तेरे ये नापाक इरादे कभी पूरे ना होंगे। शाली, हमने तुम्हें मोहब्बत और नरमी से अपनाना चाहा, लेकिन तुमने हमें जबरदस्ती पर मजबूर कर दिया। याद रखो, तुम्हें हमारे पहलू की जीनत बनना ही पड़ेगा। कल रात हम अपनी ख्वाबगाह में इस हसीन मेहमान को दुल्हन के लिबास में देखना चाहते हैं। Thank you.
सोच रहा हूँ कि आपके एहसानों का बदला कैसे उतारूं। आप इसे एहसान में समझे, ये तो मेरा फर्ज था। फर्ज या क्या कह रहे? जो चीज औरत अपनी जुबान से नहीं कह सकती उसकी आंखें कह देती हैं। अगर आप मेरी नजरों की गहराई तक पहुँच कर देखें तो उसका जवाब मिल जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि मेरी तमन्ना क्या है। ये नहीं हो सकता। इसलिए कि आपको अमीरों से नफरत है और मैं शहजादी। नहीं शहजादी, जो चीज आपकी निगाहें तलब कर रही है वो मुद्दत ही मैं किसी और को दे चुका। ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं जानते जो बचपन से मेरे साथ खेलकर जवान हुई, जिसकी मोहब्बत मेरे साथ परवान चढ़ी, जिसके प्यार की खातिर मैंने जालिम सुल्तान के खिलाफ तलवार उठाई, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। बेहतर तो यही है कि आप इस ख्याल को एक धुंधले ख्वाब की तरह भूल जाएं। भूल जाना मर्दों की फितरत है, औरतों ने ही सबक नहीं पढ़ा। वो तो सिर्फ मोहब्बत करना जानती है, जिस पर दिल निछावर कर दे सारी जिंदगी उसी की रहती है। मैं आपकी याद में जान दे सकती हूँ लेकिन भूल कर औरतों के नाम पर दाग नहीं लगा सकती। सलीम, अगर इस दाग को धोने के लिए मेरे खून की जरूरत है तो मेरा खून हाजिर है लेकिन दिल नहीं दे सकता। पहली बार आपकी आंखों ने मुझे मोहब्बत का सबक पढ़ा है, अब आप ही मुझे नसीहत कर रहे हैं कि मैं आपको भूल जाऊं। आपके होठों को ये जेर नहीं देता सलीम। क्या करूं, दस्तूर भक्त से मजबूर हूं। आपने मेरा दिल तोड़कर मुझे मायूस कर दिया। इस हस्ती हुई दुनिया में जिंदगी भर रोने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं न जानती थी आप इतने बेवफा इतने बेमुरह तरसंदी भी हैं। मुझे ज्यादा शर्मिंदा न कीजिए शहजादी, अगर आप चाहें तो मैं अपना सर काट कर आपके कदमों में फेंक सकता हूँ, लेकिन मोहब्बत पराई अमानत है, इसमें खयानत नहीं कर सकता। अच्छा, अगर आपकी यही खुशी है तो मैं अपनी हसरतों का गला घोट कर आपके रास्ते से हट जाऊंगी, आपकी खुशी पर अपने प्यार को कुर्बान कर दूंगी। जहारा, आज किसी कनीज के बदन को रख के ऐसे सांचे में ढाल दो कि उसकी पायल की झनकार से सितारे फूटने लगे और मुझे कायनात के हर दर्रे में शाली नजर आने लगे। Thank you.
जरा दिल को। मेरी आंखों के खुमार में शाली का अक्स बनकर नाचती रही हो, दूर हो जा। आज हमारी आंखें शाली के सिवा किसी को नहीं देखना चाहती। आज इस लिबास से ये जाहिर होता है कि तुमने हमारी मोहब्बत को अपना लिया है। आज तुम कितनी हसीन नजर आ रही हो शाली। मालूम होता है चौदहवीं का चांद हमारी ख्वाबगाह में आ गया है। मेरी जान छोड़ दो ये शहर। हाँ, अब तुम्हारी जुबान क्यों बंद हो गई? मोहब्बत का जोश ठंडा क्यों पड़ गया? क्या इसलिए कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे खानदान की इज्जत हूँ? रश्मि, दौलत की चमक ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया। हुकूमत के नशे में मस्त होकर तुम अपना फर्ज भूल गए। हवस के गुलाम बनकर मासूम इस्मतों पर डाके डालते हो। ये इंसानियत नहीं, दरिंदगी है। खामोश, हम इस मुल्क के शहंशाह हैं और शहंशाह हमेशा हसीन खिलौनों से खेला करता है। अपने आप को शहंशाह कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शहंशाह तो मुल्क का मुहाफिज और राया का बाप होता है। क्या बाप होकर बेटे की इज्जत लूटना चाहते थे? खामोश! मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं तो इतनी जोर से चीखूंगी, इतनी बुलंद आवाज में चिल्लाऊंगी कि कायनात का जरा जरा तुम्हारे जुल्म की दास्तान सुन लेगा और जान लेगा कि तुम्हारे पास रहम और ईमान नहीं। तुम हविस के शिकारी और शैतान के गुलाम हो। बताओ शाली कहां है? मैंने उसे सलीम के साथ इतनी दूर पहुंचा दिया है जहां से तुम उसे वापस नहीं ला सकते। अब वो बहुत दूर जा चुकी है। जाओ, शाली और सलीम को अभी गिरफ्तार करके लाओ। बेखया, तूने बहन होकर भाई से गद्दारी की। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो दुनिया के लिए व्रत हो। अब तुम्हें ये तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। मुझे मालूम था कि मैं एक जालिम भाई की बहन हूं, इसीलिए मैंने शाली को छुड़ाने के साथ ही जहर पीकर अपने को इस दुनिया से आजाद कर लिया है। अब मैं इस गुनाह की बस्ती से दूर जा रही हूं, बहुत दूर। यासमीन, कुदरत का कानून है, दूसरे का घर जलाने वाला खुद भी उसी आग में जलकर मरता है। खुश हो जाओ, आज इसी आग में तुम्हारी बहन भी जल रही है, कल तुम भी जलोगे, बाबा भी जलेंगे और किसी दिन ये महल भी जलकर राख का ढेर बन जाएगा, ढेर बन जाएगा, ढेर बन जाएगा।
आलीजा की खिदमत में कोनिश बजा लाता हूँ। क्या खबर लाए? शाली गिरफ्तार कर लेगी आलीजा, हुक्म हो तो पेश की जाए। हम उस दलील की शक्ल देखना नहीं चाहते, हमने उसकी तकदीर बदलना चाही। खाक के जर्रे को हीरा बनाकर दिल की अंगूठी में जड़ना चाह, लेकिन उसने बुलंदियों में परवाज करने के बजाय पस्तियों में रहना पसंद किया। जाओ उसे तहखाने में बंद कर दो। दादा स्त्रीम के वापस ना आने का यही मतलब हो सकता है कि जालिम नासर खान ने उसे गिरफ्तार कर दिया है। आज हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बहादुरों, अपनी तलवारें बेनियाम कर लो और जालिम नासर खान को सफ़े हस्ती से मिटा दो। फिर हमें हमले की इजाजत दीजिए। हमला होगा और आज ही होगा। आज नहीं होगा बल्कि अभी होगा। मुराद खान जिंदाबाद, शहजादा सलीम जिंदाबाद, शहजादा सलीम जिंदाबाद। मेरे जवानों, आज तुम्हारी 20 साल तैयारियों के इम्तिहान का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं कि मेरे जानिसार गोला बारूद और कील कांटे से पूरी तरह लैस है। सलीम खुफिया रास्ते से किले पर हमले की तैयारी कर चुका है और तुम किले पर बाहर से गोले बरसाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दो। सालार, तुम अपना दस्ता लेकर मशरकी फाटक की हिफाजत करो। दिलावर खान, तुम किले की फसील पर तीरंदाज खड़े कर दो। बैरम खान, तुम मगरबी गोशे से बागियों पर पत्थर बरसाओ। मीर खान, तुम दुश्मनों पर जलते हुए तेल की बारिश कर दो। Ah!
बचा लीजिए। सलीम कहाँ है? सलीम देखिए उधर देखिए। इस फतेह की मुबारक हो सलीम। आपको भी मुबारक हो बाबा, ये सब आप ही की मेहनतों का नतीजा है। और मैंने कहा शरारत साहब मेरी तरफ से भी मुबारक कबूल हो। किसकी? शाली की। और रफीक तुम्हें भी इस कामयाबी के मौके पर नौशाबा मुबारक हो। अब मुझे क्यों नहीं, मुझे तो नौसादर नौशाबा मुबारक हो। आग लग गई, जल्दी चलो। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज हकदार को अपना हक मिल गया। जागो थे ना संसार, देखो जी कहीं जागो थे ना संसार, पायल ने मोरे छन के, कंगन ने मोरा खन के, छोड़ो जी भैया जोरा जोरी ना करो प्यार, देखो जी कहीं जा।